बैक टू माय YouTube चैनल दी विस्कीपीडिया। आम जरूर समेत गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा चैनल जो नए नए प्रोडक्ट्स है मार्केट में आते हैं वो आप सबके साथ शेयर करने के लिए लाता रहता है। जी हाँ, इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ शहरी प्लेटिनम विस्की। ये एक नया प्रोडक्ट है हमारी इंडियन मार्केट में और रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। अभी ये पंजाब में, चंडीगढ़ में और हिमाचल में लॉन्च हुआ है, लेकिन कंपनी इसको ऑल ओवर द इंडिया सेल करने की जल्दी ही सोच रही है। तो गाइस, ये एक बजट सेगमेंट वाली विस्की है और इसका जो पंजाब में प्राइस है ये है 750 से लेके 850 रुपीस और चंडीगढ़ में मिल जाती है 500 से लेके 550 रुपीस तक। इसको जो कंपनी बनाती है ये है एल्को स्टार और एक अच्छी बात यह है कि इसको ओक बैरल्स में मैच्योर किया गया है। ये एक कॉम्बिनेशन है इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट्स का और इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स का, जी हाँ, ना कि मोलासिस का। इसमें मोलासिस का यूज नहीं किया गया है इसको बनाने में। बॉक्स का जो कलर है काफी अच्छा कलर मुझे लगा है, देखने में काफी आई कैचिंग है, काफी अपीलिंग है। तो अब मैं इसका एक 360 व्यू आपको करके दिखा देता हूँ। फिर हम करेंगे इसकी नोजिंग और फिर हम करेंगे इसका टेस्ट। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स काफी प्यारा बॉक्स है, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा यूज किया है कंपनी ने, काफी आई कैचिंग है। इसमें आगे यहाँ पे बैरल्स बने हुए हैं क्योंकि इसको ओक बैरल्स में मैच्योर किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज में ये एक काफी अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। तो गाइस, ये है इसकी बॉटल, ये 750 ml की बॉटल है और जो एल्कोहल स्ट्रेंथ है ये है 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब मैं बॉक्स को ओपन करता हूं और दिखाता हूं आपको बॉटल कैसी है। तो चलिए ओपन करते हैं। तो गाइस, सबसे बढ़िया बात, एक साथ में गिलास दिया है इन्होंने फ्री में। इस प्राइस रेंज में अगर एक गिफ्ट मिल जाए साथ में तो क्या ही कहना, काफी बढ़िया बात हो जाती है। तो अभी गिलास को मैं साइड पे रख देता हूं और बॉटल को बाहर निकालता हूं। तो गाइस, ये है बॉटल शेरी प्लेटिनम की। बॉटल की जो शेप है, शेप मुझे काफी प्यारी शेप लगी, एक बेल जैसी शेप है, एक घंटी जैसे होती है वैसी शेप है इसकी। शेप काफी प्यारी है, काफी अच्छी लग रही है देखने में और पकड़ने में एक काफी अच्छी लुक दे रही है। अब मैं इसको पोर करता हूं अपने ग्लास में और दिखाता हूं आपको इसका कलर कैसा है, फिर इसकी बॉडी बताऊंगा, फिर करेंगे इसकी नोजिंग और फिर करेंगे इसका टेस्ट। इसमें जो है एडिट कलर्स डाले हुए हैं, ये इसका नेचुरल कलर नहीं है। तो गाइस, कलर इसका काफी अच्छा है, शाइनिंग कलर है, हल्का सा वुडी टच दे रहा है जैसे कि ओक बैरल्स में मैच्योर किया गया है, तो थोड़ी सी ये वुडी टच दे रहा है कलर इसका। और जो इसकी लेग्स बन रही हैं ये भी मीडियम लेग्स बन रही हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं बन रही, मीडियम लेग्स बन रही है, काफी इजीली नीचे आ रही है। अब मैं इसकी नोजिंग करके बताता हूं कि क्या नोट्स दे रही है ये। इतनी देर में प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड गाइस, आज सब्सक्राइब करे बिना प्लीज चैनल से मत जाइए। चीयर्स। गाइस, एक बजट सेगमेंट वाली विस्की से क्या नोजिंग की एक्सपेक्टेशन होगी आपकी, बिल्कुल भी अल्कोहल का पंच नहीं है। जी हाँ, जनरली जो इस प्राइस रेंज में विस्की आती है उसमें अल्कोहल की एक बाइट होती है, एक धबका होता है, वो मुझे इसमें से नहीं मिल रहा है। अल्कोहल की जो धबका है वो बिल्कुल भी नहीं है, नोजिंग काफी इजिली हो रही है, पैसे यहीं पे पूरे हो जाते हैं। जो एक फाउल स्मेल होती है अल्कोहल की, एक स्पिरिट की, अगर वो विस्की से ना आए तो विस्की काफी अच्छी होती है, जो कि मुझे इसमें से नहीं आ रही। वुडी नोट्स मुझे इसमें से मिल रहे हैं, एक वार्म नोट्स, एक गरम, एक प्यारे प्यारे नोट्स मुझे इसमें से मिल रहे हैं और हनी के नोट्स मुझे इसमें से मिल रहे हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। अब मैं पैलेट के ऊपर लेके बताता हूं कि टेस्ट में ये कैसा टेस्ट दे रही है। चीयर्स।
गाइस अल्कोहल की बाइट बहुत ही ज्यादा कम है, काफी इजीली जा रही है। फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है, एक फ्रूटी पंच है, फ्रूट जूस जैसे होता है वैसे कुछ कुछ टेस्ट मुझे इसमें से आ रहा है, और एक बिस्किट जैसा बिस्किटी टेस्ट जो बिस्किट्स में आता है वैसा कुछ कुछ टेस्ट मुझे इसमें से मिल रहा है। इस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये इंपोर्टेड स्कॉचेस नहीं है गाइस, ये बजट सेगमेंट वाली विस्कीज हैं, ये काफी बल्क में सेल होती हैं, और उस हिसाब से इसका जो टेस्ट है काफी अच्छा लग रहा है, अपने प्राइस रेंज को जस्टिफाई कर रहा है, काफी प्यारा लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि इस प्राइस रेंज को आप नीट पियो, चाहे पीने में वो आसान हो लेकिन नीट नहीं पीनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करता हूं। तो चलिए गाइस एक बार फिर से इसको टेस्ट करके देखते हैं। गाइस पानी ऐड करने के बाद अब मुझे हल्की सी ऑरेंजेस का इसमें से जो है नोजिंग आनी स्टार्ट हो गई है, काफी प्यारी लग रही है। वेरी इजी गोइंग, काफी प्यारा प्रोडक्ट है, जस्टिफाई कर रहा है अपने प्राइस को, काफी अच्छा फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है मुझे, हनी का टेस्ट आ रहा है और वनीला का टेस्ट आ रहा है। इसको जो आज मैं रेटिंग दूंगा ये दूंगा 8.7 out of 10, क्योंकि इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, बॉटल काफी अच्छी है, टेस्ट काफी अच्छा है, और साथ में गिफ्ट भी है गाइस। तो इस प्राइस रेंज में अगर इतना कुछ मिल रहा है तो कुछ कुछ अगर खामियां विस्की में हो तो वो हमें निग्लेक्ट करनी चाहिए। इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको पीने में ये कैसी लगी प्लीज मुझे बताइए, मुझे तो काफी अच्छी लगी है ये पीने में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।